हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। आपका FCI AG3 का एग्जाम 5th को ही आने वाला है एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए हम आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो लेट्स बिगिन द सेशन। प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, नो इंक्लूडिंग एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी एंड स्टोरेज ग्रीन पेस्ट से। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फीडिंग ऑन डैमेज्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स एंड लीविंग बिहाइंड पंजेंट स्मेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ओके, ऑप्शन है आपके पास, राइस मॉथ, रेड रस्ट, स्टोर बीटल, पल्स बीटल, खपरा बीटल एंड राइस वीबल। सी, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फीडर, एक होते हैं प्राइमरी फीडर एंड सेकेंड वन आर द सेकेंडरी फीडर्स। ओके, प्राइमरी फीडर्स जो होते हैं वो होल ग्रेन्स पे फीड करते हैं, वेर एज सेकेंडरी फीडर्स जो होते हैं वो, जैसे इसमें दिया हुआ है, ब्रोकन ग्रेन्स पे फीड करते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या है हमारा, रेड रस्ट फ्लोर बीटल, दैट इज द वन जो कि सेकेंडरी फीडर है, ये ऐसा दिखता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले, दीज आर सम ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जिनके जिनका ना ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट और ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है। यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज द गंधी बग और द पेस्ट ऑफ राइस दैट अटैक्स द प्लांट्स एट विच स्टेज। गंधी बग इज वन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस जो कि फील्ड में जब राइस होता है उस टाइम पे अटैक करता है। ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेज पे वो अटैक करता है। ये बेसिकली क्या करता है, सक कर लेता है प्लांट्स से आपको, तो वो कौन सी स्टेज होगी, दैट वुड बी अ मिल्किंग स्टेज, जब ये ग्रेन्स में से सक कर लेगा सारा प्लांट सैप एंड दैट्स व्हाई जो ग्रेन्स होते हैं वो शैफी हो जाते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज द ग्रासी स्टंट डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय वायरस। सो डिफरेंट जो वायरल डिजीजेस होते हैं हमने देखा है, उनमें क्या होता है, एक वेक्टर की जरूरत होती है जो कि जो भी ये वायरल डिजीजेस है, वायरल स्पोर्स है, उनको ट्रांसमिट करेगा टू द प्लांट। सो ग्रासी स्टंट डिजीज के लिए कौन सा वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नीला पर्वता ल्यूगेंस, आल्सो नोन एज ब्राउन प्लांट हॉपर। ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेज चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन इंसेक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अडेप्ट करने के लिए उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो अलग अलग मॉडिफाइड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया चूइंग और लैपिंग टाइप, किस टाइप के माउथ पार्ट्स कौन से टाइप के इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। सो आंसर इसका क्या है, हनी बी। इसके अलावा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, जैसे थ्रिप्स में होता है रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप, देन हाउस फ्लाइज में होता है, बटरफ्लाइज में होता है। ये आप ना नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसके बता सकते हैं कि हाउस फ्लाई बटरफ्लाई में किस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, कैसे मॉडिफाइड होते हैं। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट इज द मोल्डिंग हॉर्मोन इन इंसेक्ट इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी। मोल्टिंग हॉर्मोन कौन से बॉडी पार्ट से, इज इट कॉर्पोरा कार्डिया का, कॉर्पोरा इलाटा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स या फिर हिपेटिक सी की। सो इसका आंसर क्या है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से क्या होता है, दिस मोल्टिंग हॉर्मोन इज रिलीज्ड, वेयर इज कॉर्पोरा इलाटा जो होता है वहां से जुवेनाइल हॉर्मोन रिलीज होता है, जुवेनाइल हॉर्मोन इज रिलीज फ्रॉम हेयर। देन कॉर्पोरा कार्डिया का जो है वो रिलीज और स्टोरेज ऑफ डिफरेंट ब्रेन हॉर्मोन्स करता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी ब्रेन हॉर्मोन्स को डेवलप करता है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, हस्क ऑफ पैडी जो होता है उसमें एवरेज बेसिकली पूछा गया है कि राइस में एवरेज हलिंग परसेंटेज कितना होता है, जब उसका हस्क निकाल देते हैं तो उसमें से कितना हमें ग्रेन मिलता है। सो एवरेज कितना होता है इसमें, 60 to 66%। इफ यू टेक लाइक स्पेसिफिक अराउंड 66% होता है एंड ऑन एन एवरेज जो रेंज है दैट इज 60 to 66% यू कैन से। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इट सेज
पारबॉइलिंग इज वन ऑफ द हाइड्रोथर्मल सॉरी हाइड्रो हाँ सॉरी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ही होती है नो जो मिलिंग से पहले की जाती है राइस में. सो आपको पूछा गया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, इज इट डन टू अचीव द मैक्सिमम रिकवरी ऑफ हेड राइस और इज इट डन टू मिनिमाइज द ब्रोकन परसेंटेज टू रिड्यूस द मिलिंग लॉसेस और टू ऑब्टेन नॉन स्टिकी और नॉन ग्लूटिनस राइस. आंसर इसका है ऑल ऑफ देम. सो इट्स अ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस जिसमें कि हम बेसिकली नो स्टीमिंग के थ्रू और हीट करके हीट और स्टीम करके राइस को क्या करते हैं उसका जो अंदर का कर्नल है उसको लाइक जो भी विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं बाहर के हस्क में वो अंदर के कर्नल में आ जाते हैं एंड ऑल्सो इसका ब्रोकन परसेंटेज जो है रिड्यूस हो जाता है. Then moving on to question number 8, इसमें पूछा गया है कि राइस हस्क का जो ऐश होता है नो दैट इज बेसिकली यूज फॉर एब्रेजन पर्पज. अब वो क्यों एब्रेजन, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है उसमें जिसकी वजह से वो एब्रेजन के पर्पज के लिए यूज किया जाता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ हाई सिलिका कंटेंट. ऑल्सो जो स्ट्रॉ होता है राइस का उसमें भी हाई सिलिका कंटेंट नो पाया जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि एनिमल्स को वो एज अ फीड हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट मिलिंग ऑफ पल्सेस. पल्सेस में वेट मिलिंग एंड ड्राई मिलिंग दो टाइप की होती है. आपको बताना है वेट मिलिंग से रिलेटेड कौन सा वाला नो स्टेटमेंट इज करेक्ट. इज इट रिमूवल ऑफ डस्ट एंड शाफ्ट किया जाता है इसमें, रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस इज डन और इमैच्योर ग्रेन्स एंड अदर सीड्स, डी हस्क ऑफ पल्सेस एंड सोक्ड इन टू वाटर फॉर पीरियड ऑफ 2 to 8 hours और ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही मेथड जो हैं हमारे वेट मिलिंग ऑफ पल्स क्रॉप्स में किया जाता है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ वेट मिलिंग ऑफ पल्सेस. यू नो इट इज डन सो एज टू मेक इट मोर कंज्यूमेबल फॉर द कस्टमर्स और फॉर द कंज्यूमर्स. ओके, तो डिफरेंट उसमें स्टेप्स हैं ये आप रीड कर सकते हैं. Then question number 9th, it says go downs and silos, no, जो FCI है, CWC है, उनके हाँ क्या वो बड़े बड़े go downs में हमारा food को store करके रखते हैं. So go downs और silos क्या है, sorry, go downs की जो side walls होती हैं, those are made up of stones and masonry से बनी होती हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि silos की सिलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज से बना होता है. ठीक है, सो एफसीआई बिकॉज इन सब चीजों से ही नो रिलेटेड है तो आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इज इट स्टील और रीइंफोर्स कंक्रीट, इज इट एस्बेस्टोस या फिर इनमें से कोई भी. नो आपने जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो तो बेसिकली सिलोज क्या बने होते हैं, स्टील और नीचे से नो यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ concrete. So both A and B is the right answer. Then moving on to question number 10, it says which of the following is a physical method of detection of insect pest infestation in food grains. We have to like detect ki food grains mein insect infestation hai ki nahi. So uske liye alag alag methods hote hain, ELISA method, flotation method, anhydrin method, uric acid analysis, analysis of CO2. So isme se jo flotation method hai that is the फिजिकल मैथड ऑफ नो डिटेक्टिंग. इसमें क्या करते हैं बेसिकली पानी में सारा फूड ग्रेन्स को डाल देते हैं एंड विच एवर फूड ग्रेन्स आर नो इन्फेक्टेड जिनमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है वो फ्लोट करने लगते हैं और जो भी अच्छे गुड क्वालिटी के होते हैं वो नीचे सिंक कर लेंगे. सो दैट इज वन ऑफ द मैथड. बाकी अलग अलग मैथड है, दीज आर केमिकल मैथड, ELISA मैथड है, उसमें से हम डिटेक्ट करते हैं एंजाइम्स को. ठीक है, जो भी इंसेक्ट्स होंगे फूड ग्रेन में प्रेजेंट उनका एंजाइम हम डिटेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से होता है. फिर एनहाइड्रिन मैथड होता है, उसमें नो वी हैव दिस केमिकल एनहाइड्रिन जो कि अमीनो एसिड्स जो इंसेक्ट के अंदर होता है उसको डिटेक्ट करता है. देन यूरिक एसिड एनालिसिस, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट करेंगे ज़्यादा ज़्यादा यूरिक एसिड तो हमें पता चल जाएगा अगर हम फूड ग्रेन का यू नो सैंपल लेंगे और उसमें से चेक करेंगे कि इसमें यूरिक एसिड का कितना परसेंटेज है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है कि नहीं. एंड सिमिलर फॉर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा जब इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन इन द फूड लॉट. ऑलराइट, ये आप पढ़ सकते हो.
Then question number 11th is out of the total post harvest losses, storage insects account for how much of percentage of loss. So India mein we know around 10% jo hai post harvest losses hote hain, and out of this 2% जो है दैट इज ड्यू टू द इंसेक्ट स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट, और जो होते हैं यू नो डिफरेंट वजह से डिजीज की वजह से भी हो सकता है, एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो लॉसेस को कंट्रीब्यूट करता है. सॉरी. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज इन पैडिंग नो क्लिपिंग की जाती है बेसिकली जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड. सो नर्सरी से जब निकालते हैं इन सीडलिंग्स को तो ऊपर से क्लिपिंग की जाती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो ऊपर वाला पोर्शन हम क्लिप कर देते हैं. सो वो किस नो कौन सा ऐसा इंसेक्ट पेस्ट है जिससे नो जिससे बचने के लिए ये एज अ प्रिवेंटिव मेथड यूज किया जाता है. सो इट इज येलो स्टेम बोरर, क्योंकि येलो स्टेम बोरर क्या है अपने एग्स देता है ऑन द टॉप ऑफ दी नो दी सीडलिंग्स. देन क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज ब्लैक रस्ट साइकिल इन वीट इज इनफेक्ट No, in black rust cycle, wheat is infected by which of the following spores? So, five type ke spores hote hain, you know, pod, B is the pycnospore, asiospore, iridospore, teliospore and basidiospore, and out of this, asiospore is the one jo ki infect karta hai wheat ko, theek hai? Pycnospore, asiospore, dono kya hai? Alternate host mein rehte hain, theek hai? Wahan se ye आते हैं हमारे मेन होस्ट पे, ठीक है? मेन होस्ट दैट इज वीट पे ये इन्फेक्ट करते हैं, बाकी यूरिडियोस्पोर जो है इटिलियोस्पोर ये वीट पे ही पाया जाता है. इसके बारे में डिटेल भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज क्रिसिक सिम्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज ऑफ राइस. क्रिसिक सिम्टम्स में क्या होता है, बेसिकली जो लीफ होती है उसमें ऐसे स्ट्रीक्स बन जाते हैं, येलो कलर के स्ट्रीक, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, येलो कलर के स्ट्रीक्स बन जाते हैं. सो ये किस डिजीज से रिलेटेड है? So it is related to BLV, that is bacterial leaf blight में ये सिम्टम हमें दिखाई देता है. Then coming to question number 15, that is the loose smut of wheat is it externally seed borne, internally seed borne, soil borne, air borne, insect borne, how is it? This is like one of the easiest question. It is internally seed borne. Okay, iska causal jo agent hai wo aap niche comment box mein likh sakte ho. This is how it looks like. Alright, so that is it for this video. अगर आपको चाहिए और भी ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. बाकी आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन लर्निंग. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.